गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन मैथमेटिक क्लास। तो आपने देखा कि कल हमने फॉर्मूले कंप्लीट कर लिए थे, ठीक है। सब बच्चों ने वो वीडियो हमारा देख भी लिया होगा और कई बच्चे बड़े चिंतित हो गए होंगे भी ये शायद हमारे समझ में नहीं आएगा। बेटा ऐसा नहीं है, ठीक है। कोई भी विद्यार्थी हो उसको कम से कम 1 से 1.5 महीना लगता है साइंस मैथ लेने के बाद में अपनी क्लास में एडजस्ट होने पर, ठीक है। तो आज जो है हम आपके सामने लेके आए हैं चैप्टर नंबर 3 के कुछ प्रश्न। आपको बेटा जो बुक है वो मार्केट से मिल जाएगी, ठीक है। एनसीईआरटी की बुक्स लगेंगी अपने। अब की बार जो नया सिलेबस आया है ना, 12th का सिलेबस तो वही है, 11th का सिलेबस चेंज हो गया है इस बार, ठीक है। यानी मैं आपको, आपके लिए खुशखबरी ये है कि किताबें पहले की अपेक्षा बहुत आसान आ गई हैं। पिछली जो 11th की क्लास थी वो कक्षा 11th की जो बुक थी आपकी मैथ की वो काफ़ी मुश्किल थी, और जो इस बार जो बुक आई है वो आपके लिए बहुत ही इजी होगी, ठीक है ना। बहुत सिंपल बुक है, आपको ये लगेगा जैसे हम 10th की मैथ पढ़ रहे हैं। अब देखो थोड़ा बहुत तो लेवल तो टॉपिक का निकलेगा ही, सेम 10th वाला तो रहेगा नहीं, क्योंकि आप भी बड़े हो गए हैं तो किताबें भी थोड़ी सी देखो बड़ी होंगी, हार्ड होंगी हल्की सी। तो आज देखो बेटा मैं आपके लिए सामने लेके आया हूँ एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 8 और एग्जाम्पल नंबर 9। हम प्रश्नावली 3.2 पढ़ेंगे पहले, और जो 3.1 प्रश्नावली है उसके लिए सब बच्चों को मैं बता दूँ, मेरे शुरू करने से पहले, शुरू में जब हमने बेसिक क्लासें प्रारंभ की थी तो यूट्यूब पर 1 से 5 तक, 1 से 4 तक, 1 से 5 तक, यानी प्रारंभ के जो अपने 4 या 5 वीडियो है ना जिसमें मैंने टॉपिक पढ़ाया था आपको कोण का मापन, वह जो कोण का मापन जो टॉपिक आपको पढ़ाया गया था वो टॉपिक आप उन वीडियो को देख करके बिल्कुल बढ़िया कर लें, ठीक है। उसी से आपसे जो है वही 3.1 से संबंधित है पूरा का पूरा सिस्टम, ठीक है ना। वो अगर वीडियो देख लेंगे तो 3.1 में कोई समस्या नहीं आने वाली है। तो देखो पढ़िए एग्जाम्पल नंबर 6 आपको क्या कह रहा है। देखिए कि यदि कोसेक्स बराबर -3/5 और एक्स जो है वो तृतीय चतुर्थांश में स्थित है तो अन्य शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। एग्जाम्पल नंबर 7 भी ऐसा ही है, दोनों सेम है, बस चतुर्थांश का अंतर है, इसमें कोस है इसमें कोट है। एक क्वेश्चन आप अच्छे से सीख जाएंगे तो दूसरे में भी आपको समस्या नहीं आने वाली है। यहाँ मैंने डॉट डॉट लगाया है, इसका ये मतलब है कि अन्य शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात, इसका मतलब है अन्य शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात, समझ गए आप। यानी यही सेम लाइन आपको यहाँ लिखनी है, ठीक है ना। तो देखिए, तो अब हम करेंगे बेटा एग्जाम्पल नंबर 6। तो देखो एग्जाम्पल नंबर 6 कैसे करेंगे, सुनिएगा। जो आपको दिया हुआ है ना त्रिकोणमितीय अनुपात उसको आप यहाँ लिख लीजिए, ये लो जी कोस एक्स की वैल्यू आपको दे रखी है -3/5, ठीक है। 3.2 में जो शुरू के जो क्वेश्चन है वो सारे के सारे यही क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आप समझ गए ना सारे कर देंगे, ठीक है। जो आपको वैल्यू दी गई है, जो त्रिकोणमितीय अनुपात आपको दिया गया है, यहाँ लिख लिया आपने कोस एक्स बराबर -3/5। आगे लिख दीजिएगा एक्स कौन से चतुर्थांश में बेटा, एक्स इन थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है ना। अब थर्ड क्वाड्रेंट की सारी बातें जानते हैं आप, अरे तृतीय चतुर्थांश में एक्स कौन से में है, तृतीय में, और तृतीय में कौन कौन पॉजिटिव होता है बताओ बेटा जरा, टेन और कोट, ठीक है ना, टेन और कोट। तो अब आपको चाहे, देखो आप जब इस प्रश्न को हल करेंगे ना, सुनो मेरी बात, अब ये नेगेटिव दे रखा है आपको, ठीक है। अगर ये मान लो यू पॉजिटिव दिया होता तो बहुत अच्छी बात थी, अगर मान लो नेगेटिव दे दिया जाए तो आपने यहाँ पर इसको पॉजिटिव बना के लिख लेना है। आपने लिखना है कि कोस एक्स बराबर, मानना मत लिखो, सीधा लिख दो, ये लो कोस एक्स बराबर, अगर देखो पॉजिटिव दिया हो तो बहुत अच्छी बात है, और नेगेटिव दिया हो तो पॉजिटिव बना के लिख लीजिएगा, यानी आपको पॉजिटिव लेके चलना है। लिख लिया आपने इसको पॉजिटिव। अब मुझे ये बताओ कोस होता क्या है, आधार बटा में करण होता है कि नहीं होता है। 10th क्लास वाली बात है, सेम 10th वाला कर रहा हूं मैं काम, आधार बटा करण होता है। अब यहां पर आप एक छोटा सा यू त्रिभुज बनाइए, बना लिया, ठीक है। ये हमारा एक्स हो गया, ये 90 डिग्री होता है, आधार कितना है 3, करण कितना है 5। अब पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, देखो करण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर। अब देखो लास्ट बार लगा रहा हूं मैं पाइथागोरस, आज के बाद कभी नहीं लगाऊंगा मैं, आपको दूंगा करने के लिए, आपकी याददाश्त के लिए कर रहा हूं मैं ऐसा। देखो सवाल बेटा क्या है कि यदि कोस एक्स बराबर -3/5 है और एक्स जो है
वो तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, तो अन्य शेष पांच त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। ऐसे सवालों को करने का मेथड बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन करते ही सारे आ जाएंगे आपको, ठीक है। अब देखो आपको यहाँ जो दिया हुआ है ना वो लिख लीजिए, कोस एक्स बराबर माइनस तीन बटा पाँच दिया था और एक्स किस में दिया था, थर्ड क्वार्टर, ये तो अपना क्वेश्चन हो गया। अब अगर पॉजिटिव दिया होता तो यहाँ पॉजिटिव ही लिख लीजिएगा, नेगेटिव दिया है तो पॉजिटिव करके लिख लीजिएगा, यानी आपको यहाँ लेना पॉजिटिव ही है। अब ये देखिए आधार बटा करण होता है ना कोस, तो आधार की वैल्यू तीन होगी, करण की पाँच हो गई। पाइथागोरस प्रमेय में देखो करण की वैल्यू पाँच है, तो पाँच का वर्ग हो गया पच्चीस, आधार तीन है तो कितना हो गया नौ। हमें ज्ञात क्या करना है, लंब, तो आप 25 में से 9 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा बोलो, 16, ठीक है। तो आप कहेंगे सर लंब हमारे पास में आएगा क्योंकि वर्गमूल करोगे ना 16 का, कितना आ जाएगा 4, तो लंब आ जाएगा हमारे पास में 4, ठीक है। अब इस त्रिभुज की सहायता से, ठीक है, इसने क्या पूछा है, अन्य पांच त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। कोस तो आपको दिया हुआ है, अन्य पांच कौन से बच गए, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, साइन कोस, टेन कोट, सेक कोसेक। कोस दिया हुआ है तो आप कहेंगे एक तो मुझे साइन लेना है, एक मुझे टेन लेना है, एक मुझे कोट लेना है, एक मुझे सेक लेना है, एक मुझे कोसेक। देखो पांच हो गए ना। अब यहाँ थीटा का काम कौन कर रहा है बेटा, स्वयं एक्स कर रहा है, तो इसके आगे सबके एक्स लगेगा, थीटा मत लगा दीजिएगा, एक्स दिया है तो एक्स, वाई दिया है तो वाई, थीटा दिया है तो थीटा, ठीक है। अब बोलो साइन क्या होता है बेटा, बोलो साइन लाल बटा कक्का, याद है क्या आपको, लाल बटा में कक्का, ठीक है ना। साइन क्या होता है, लंब बटा में करण, लंब बटा में करण। टेन क्या होता है, लंब बटा में आधार। कोट क्या होता है, टेन का उल्टा, आधार बटा में लंब। सेक क्या होता है, कोस का उल्टा, कोस होता है आधार बटा में करण, ये हो जाएगा करण बटा में आधार। और कोसेक होता है साइन का उल्टा, करण बटा में लंब। चलो लंब बटा में करण करो, चार बटा में पांच कर सकते हो ना। टेन क्या हो जाएगा, चार बटा में तीन। कोट क्या हो जाएगा, तीन बटा में चार। सेक क्या हो जाएगा, कोस का उल्टा कर लो यार, ये कोस सामने लिखा ही हुआ है, पांच बटा में तीन। और कोसेक क्या होता है, साइन का उल्टा, पांच बटा में चार। इतना काम कर लिया। अब क्या आपने इनमें चतुर्थांश का प्रयोग किया है, नहीं किया, ठीक है ना। चतुर्थांश भी तो देखना पड़ेगा ना, कौन सा चतुर्थांश दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए यहां लिखिए आप, यदि ये अपना फाइनल आंसर होगा बेटा, ये तो पहले आपने सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल लिए, अब ये हमारा होगा फाइनल आंसर कि यदि एक्स जो है वो तृतीय चतुर्थांश में है, यदि x तृतीय चतुर्थांश में है तो एक तो आपके पास में साइन x, टेन x, कोट x, sec x। अब बताओ तृतीय चतुर्थांश में कौन कौन पॉजिटिव होता है, टेन और कोट, तो बताओ साइन की वैल्यू तृतीय चतुर्थांश में नेगेटिव होगी, इसलिए इसको नेगेटिव लगा के लिखा जाएगा। देखो चार बटा पांच तो था ही, जब मैंने इसको कहा कि ये तृतीय चतुर्थांश में है तो इसका मतलब तृतीय में साइन कैसा होता है, नेगेटिव, तो नेगेटिव लगा देना है। तृतीय में टेन कैसा होता है बेटा, बोलो पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। कोट कैसा होता है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ही रहेगा। सेक कैसा होता है तृतीय में, इसलिए सेक नेगेटिव हो जाएगा। और बेटा कोसेक कैसा होता है तृतीय में, नेगेटिव, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। बस इतना काम करना था। टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं तृतीय में, इसलिए पॉजिटिव रखा और बाकियों को क्या कर दिया, नेगेटिव कर दिया, ठीक है। इस तरह से ये आपको एग्जाम्पल नंबर 6 करना है, ठीक है ना। एग्जाम्पल 6 हो गया, चलो मैं आपको करवाता हूँ एग्जाम्पल नंबर 7। इरेज कर दो इसको, क्लियर, लो जी इसको इरेज कर देते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 को। चलो अपने करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7, यानी एक क्वेश्चन और करते हैं इसके ऊपर। चलिए एग्जाम्पल नंबर 7 में आपको क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है कि कोट एक्स बराबर माइनस पांच बटा में 12, और आगे क्या दिया हुआ है, एक्स द्वितीय चतुर्थांश में, आप लिखेंगे एक्स इन सेकंड क्वाड्रेंट द्वितीय में। बताओ द्वितीय में कौन पॉजिटिव होता है, आप कहेंगे सर द्वितीय में तो सिर्फ साइन और कोस ही पॉजिटिव होते हैं, तो बस ये चीजें याद रखिए। तो मैंने आपको कहा था कि स्टार्टिंग कहां से करेंगे, यहां पर दिया गया त्रिकोणमितीय अनुपात लिखेंगे,
परंतु धनात्मक लिखेंगे। अगर ये धनात्मक दिया होता तो अच्छी बात थी, वही लिख देते आप। अगर धनात्मक नहीं दिया हुआ यानी ऋणात्मक दिया हुआ है तो उसको मेरी तरह आप देखो धनात्मक बना के लिखेंगे। पहला स्टेप हो गया क्लियर। अब ये कोट आ गया तो बताओ यहाँ लिख लो लाल बटामी कक्का, ठीक है ना, लाल बटामी कक्का जानते हैं ना आप क्या होता है, ठीक है। अब देखो कोट दिया हुआ है तो देखो क्या हो जाएगा, कोट क्या होता है बेटा, आधार बटामी लंब, क्योंकि जब टेन लंब बटामी आधार होता है तो टेन का उल्टा होता है आधार बटामी लंब। फिर यहां पर आप एक त्रिभुज बना लेंगे इस प्रकार, देखो ऐसे ऐसे, ठीक है। अब बताओ आधार कितना है, पांच, लंब कितना है, बारह, ठीक है ना। अब देखो ये क्या हो जाएगा, अब यहां पर जब आप पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे करके देखिएगा, जैसे मैंने पहले किया था, तो आप यहां देखेंगे कर्ण आपके पास में कितना आ जाएगा, तेरह आ जाएगा बेटा, ठीक है ना। मैंने क्या कहा था, मैं लास्ट टाइम आपके सामने पाइथागोरस प्रमेय लगा रहा हूँ, अगले सवाल में आप स्वयं ही लगाएंगे, ठीक है ना, वही सेम तरीके से करके देखिएगा। आधार की और लंब की वैल्यू आपको दी हुई थी, करण आपने निकाल लिया। अब देखो सवाल क्या पूछा गया है, हमने डैश डैश का मतलब यहाँ पर क्या है कि अन्य शेष पांच त्रिकोणमिति अनुपात आपने लिखने हैं। जब आपको कोट दे दिया गया है तो अन्य शेष कौन कौन से बच गए, एक तो साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स, sec x और cosec x। ये साइन क्या होता है बोलो, लंब बटा में करण, कोस क्या होता है आधार बटा में करण, टेन क्या होता है लंब बटा में आधार, sec क्या होता है करण बटा में आधार, cosec क्या होता है करण बटा में लंब। लंब बटा करण करेंगे तो 12 बटा में 13 आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 बटा में 13 लंब बटा में आधार, तो ये हो जाएगा 12 बटा में 5। सेक हो जाएगा बेटा 13 बटा में 5, क्योंकि कोस का उल्टा कर दो, कोसेक होता है साइन का उल्टा, यानी कि 13 बटा में 12 निकाल लिए। अब शेष रह गया क्या, क्वाड्रेंट के हिसाब से इनका आपको चिन्ह निश्चित करना है कि कौन सा चिन्ह लगेगा, प्लस का होगा या माइनस का। तो आप यहां लिखिए सर एक्स कौन से चतुर्थांश में, बोलो द्वितीय, ये हमारा फाइनल आंसर होगा, चतुर्थांश में है। जब द्वितीय चतुर्थांश में है x, तो आप जानते हैं सेकंड चतुर्थांश में, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होते हैं। तो देखो साइन x, सॉरी हाँ, और साइन x क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, शायद मैं ऐसे बोल गया था ना, सेकंड चतुर्थांश में साइन और कोस पॉजिटिव होते हैं, नहीं बेटा साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, ध्यान रखिएगा, कोस और सेक तो होते हैं फोर्थ के अंदर, ठीक है ना। तो यहां देखिए कोस, कोस क्या हो जाएगा नेगेटिव, है ना, पीछे वाले में कोई गड़बड़ ना होगी वो चेक कर लेना आप, पीछे वाले में साइन और कोसेक दूसरे में पॉजिटिव होते हैं, तीसरे में टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं, चौथे में कोस और सेक पॉजिटिव होते हैं, और टेन जो है ये भी क्या हो जाएगा दूसरे में नेगेटिव, इसके आगे भी नेगेटिव लगा दीजिए, बस बस इतना काम करना, इनका चिन्ह आपको निश्चित करना है और आपका आंसर आ गया। सेक क्या होता है तीसरे में बताओ, सेक क्या होता है बेटा तीसरे में, सेक आपके पास में होता है तीसरे में नेगेटिव, और फिर कोसेक जो है वो क्या होता है पॉजिटिव, ठीक है, इस हिसाब से बेटा आपको करना है। तो ठीक है आज के वीडियो में बस इतना ही, एग्जाम्पल 6 और 7 मैंने आपको समझा दिए हैं, 3.2 प्रश्नावली के शुरू में जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे यही हैं, इनको आप खुद से हल कीजिएगा। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।